हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे, क्लास 3 की वर्कशीट है, ठीक है? तो सभी बच्चे अपनी अपनी मैथ्स की कॉपी निकालेंगे, आज की डेट लिखेंगे 26 अक्टूबर 2021, ठीक है? मैथ्स वर्कशीट नंबर 97 है ये, क्लास 3 की। तो बेटा इसका जो रिलेटेड लर्निंग आउटकम है वो है एस्टिमेशन ऑफ लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, ओके? तो इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी सी डी आपका जो भी सेक्शन है, ओके? एंड देन इधर अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ओके? तो पहला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। पहला प्रश्न है चित्र पहेली, है ना? चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई। आप भी किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, ओके? तो पहले देख लेंगे चित्र, मैं आपके लिए जूम कर रही हूँ दोनों चित्रों को, ठीक है? देख लेते हैं कितनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। पहली तो मुझे पहियों में ही नज़र आ गई, एक और दो तो इसमें आ गई, ठीक है? फिर देखेंगे ये जो ऊपर लाइट है, ठीक है, ये थर्ड हो गई आपकी गलती इसमें, देन देखेंगे इधर इस तरह से बना है, इधर गोलाई में है ये, तो इधर ये हो गई फोर्थ गलती, ठीक है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। कमरा नापना, ठीक है? पिछली वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था जिसमें आपने रेखा से गेंद तक की दूरी अपने कदमों से चलकर नापी थी। अगर आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी हो तो आपके कितने कदम आएंगे अंदाज़ा लगाइए। तो बेटा आपको याद है हमने गेंद जो थी एक लाइन में डाली थी, उसके बाद उधर तक हम कदमों से चल के जैसे गए थे, तो कितने कदमों की दूरी थी ऐसे हमने करा था पिछली वर्कशीट में, मैथ्स की जो आपकी वर्कशीट थी, याद है सभी को, है ना? तो इस बार आपको अपने कमरे को नापना है, ठीक है? तो आपका जो कमरा है उसकी साइड पे आपने चले, ठीक है, उसकी लंबाई आपने नापी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी उसकी लंबाई होगी, यानी कि कितने कदमों की उसकी लंबाई होगी, ठीक है? जैसे मुझे लगता है कि 40 कदमों की लंबाई होगी, ठीक है? तो मैंने 40 लिख दिया इधर। अब आप पैर ऐसे रखिए जैसे चित्र में दिखाए गए हैं, इस तरह से आप रखेंगे एक के पीछे एक बिल्कुल, और आपको क्या करना है बच्चों बताएं? अपने कदम ऐसे रख रख कर आगे बढ़ना है और कमरे को नापना है, ठीक है? कदम मिलाकर चलकर देखिए और बताइए कि आपको कितने आपके कितने कदम आए। तो आप लिख सकते हैं 35। आप एक बार नापेंगे बेटा, उसके बाद ही लिखेंगे, बिना नापे मत लिखिएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं बेटा। आपके अंदाजे की संख्या और चले गए कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर है? जैसे मैंने 40 अंदाज़ा लगाया था लेकिन 35 आए, तो 5 आ गई, डिफरेंस क्या आ गया 5, ओके? देन अगला देखते हैं आगे। अगर आपके मम्मी या पापा अपने कदमों से चले तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम? तो क्योंकि उनके पैर बड़े होते हैं, है ना, तो उनके कदमों की संख्या फिर कम आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं। आपके मम्मी या पापा के कितने कदम आएंगे? आपको क्या लगता है आपके मम्मी या पापा के कितने कदम आएंगे? तो हम लिख सकते हैं इसमें, आप एक बार मम्मी या पापा के पैर देखकर आप मतलब अंदाज़ा लगाएं बच्चों, ओके? जैसे मैंने लिख दिया 30, फिर
अब अपने मम्मी या पापा को चलकर कदम गिनने को बोलिए। आपने उनसे कदम गिनवाए तो मैं भी उनके 25 आ गए हूँ। आपके घर में जो चारपाई है या पलंग है उसकी लंबाई आपके कितने कदमों के बराबर होगी? बेटा, जो चारपाई या पलंग है उसके बराबर बराबर आप चलकर देखना और बताओ कितनी उसकी क्या होगी, लंबाई होगी। जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया 10, ठीक है? आपका अंदाज़ा कितना है? आपने अंदाज़ा लगाया मे बी 20 का। आपके कितने कदम आए? 15 आप लिख सकते हैं। जैसा भी बेटा, आप लोग नापेंगे खुद ही, मैम नहीं नापेंगी, आप खुद नाप के लिखेंगे ये चीज़ें, ठीक है? आपके अंदाजे और कदमों की संख्या में कितना अंतर आया? आपने जितना अंदाज़ा लगाया, जैसे आपने सपोज करते हैं अंदाज़ा लगाया 20, ठीक है, लेकिन जो क्या था, कितने कदम आए आपके? 15, तो इसका क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है, डिफरेंस इसका अंतर। मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों से बात कीजिए कि कदमों की अलग अलग संख्या क्यों आ रही है, और यदि सबके लिए लंबाई एक जैसी रहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज की वर्कशीट इतनी ही है आपकी। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।